नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिन भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स ने अपनी पीएफ केवाईसी लगाई और वो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में पड़ी है। दोस्तों, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस का मतलब होता है केवाईसी लगाने के बाद डायरेक्टली बैंक के पास जाती है, उसको पहले बैंक अप्रूव करता है, तो वो जब तक बैंक के पास पड़ी रहती है वो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखती है। दोस्तों, वो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आपकी जो केवाईसी लगाई हुई है, एक दिन, दो दिन, दस दिन, पंद्रह दिन या तीस दिन से ज़्यादा हो गए अभी तक अप्रूव नहीं हुई, या फिर लगाई और कितने दिन में अप्रूव होगी, सारी बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो में जरूर बने रहना दोस्तों, क्योंकि पेंडिंग वेरिफिकेशन प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा आ जाती है और उसके केस में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है। वीडियो एंड तक देखना, अगर आपको अच्छी लगे, नॉलेज वैल्यूबल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं पीएफ के रिगार्डिंग आप सबको नए अपडेट जानकारी देता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पेंडिंग वेरिफिकेशन का जो मसला है ये लगभग 2023 में ईपीएफओ ने किया। दोस्तों, अपडेट क्यों किया ये जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रिक्वेस्ट, जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई अपनी पीएफ केवाईसी में अपनी बैंक केवाईसी की रिक्वेस्ट लगवाता था, उसके बाद उस केवाईसी को डायरेक्टली एम्प्लॉयर उसको अप्रूव करता था। अब एम्प्लॉयर अप्रूव करेगा, एम्प्लॉयर के बाद कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता था कि जो भी बैंक डिटेल है बिल्कुल वेरीफाई है नहीं है, उस चीज़ को वेरीफाई करके उसको अप्रूव करे, ऐसा कोई भी मेथड या कोई भी तरीका नहीं था ईपीएफओ के पोर्टल में। तो इस वजह से ईपीएफओ ने फिर एक अपडेट किया कि जब भी कोई मेंबर अपनी पीएफ केवाईसी लगाएगा, वह पहले बैंक के पास जाएगी, बैंक उसको वेरीफाई करेगा कि सब डिटेल ठीक है, ताकि पीएफ मेंबर पैसा निकाले तो उसी के अकाउंट में जाए, ना कि किसी और के में। तो दोस्तों, उसके बाद वेरीफाई करता है बैंक, अब उसके बाद करता है एम्प्लॉयर। ये 2023 के लगभग बीच में से हुआ है, मसला जब हुआ था उससे पहले नहीं था। अभी क्या था, जो पीएफ मेंबर थे, पीएफ मेंबर अपनी केवाईसी को अगर गलत रजिस्टर करते और जो एम्प्लॉयर है गलत ही अप्रूव कर देता, तो फिर पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाता। इस वजह से पीएफ मेंबर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता, फिर प्रॉब्लम होती कि पैसा वहाँ चला गया, गलती होगी बहुत सारी। इस चीज़ को लेकर ईपीएफओ का बहुत अच्छा अपडेट था, 2023 के बीच में किया गया था लगभग। तो दोस्तों, ये जो अपडेट किया गया था ये इसीलिए किया गया था कि पीएफ मेंबर अगर गलत जो रिक्वेस्ट लगाए तो वो है कि जो केवाईसी है एम्प्लॉयर के पास जाए ही ना। अगर अब आप देखते होंगे, अगर आपका नाम या सरनेम या कुछ भी आपका थोड़ा भी मिस्टेक है, थोड़ा भी गलत है, तो जो बैंक केवाईसी है ऑटोमेटिकली वह है रिजेक्ट हो जाती है बैंक के द्वारा। अभी इसीलिए इसको वेरीफाई करते हैं कि आपकी सुरक्षा रहे। अब बात करते हैं, जो आपकी पीएफ केवाईसी है एक दो तीन या पाँच दिन या दस दिन या पंद्रह दिन या एक महीने से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक पेंडिंग है, तो वो कैसे अप्रूव होगी। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो पेंडिंग वेरिफिकेशन का काम है ये सैटरडे संडे जब भी बैंक खुलता है, एक तो बैंक वर्किंग डेज होना चाहिए, तो बैंक के सर्वर के द्वारा ऑटोमेटिक ही होगा। अगर आप ये चीज़ सोचते हैं कि अगर हमारी बैंक केवाईसी पेंडिंग पड़ी है और ये पेंडिंग वाली केवाईसी की रिक्वेस्ट हम अपने ईपीएफओ से या फिर अपनी शिकायत अपने बैंक से करें या एम्प्लॉयर से करें, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी इस वाली प्रॉब्लम में, कोई भी इस वाले एरर में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। चाहे आप ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट लगाइए, चाहे आप बैंक में रिक्वेस्ट लगाइए, चाहे आप अपने एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट लगाइए, कहीं कोई भी इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता है, ये ऑटोमेटिकली रहेगा। ईपीएफओ ने कोई भी ऐसा मेथड, कोई भी ऐसा तरीका नहीं बनाया कि अगर आप जो मेंबर है इस तरीके से फंस जाए तो वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा। हालांकि दोस्तों, मैंने खुद से प्रॉब्लम झेली है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट लगाई थी, एक महीने से ज्यादा हो चुका है, ये अभी तक वेरिफिकेशन पेंडिंग ही है, तो क्या कर सकते हैं, ना तो बैंक से बोल सकते हैं क्योंकि बैंक वाले कोई पर्सनली बैठा नहीं रखा इस चीज को काम करने के लिए, और ना ही अपने एम्प्लॉयर से बोल सकते हैं, ना ही ईपीएफओ से बोल सकते हैं। तो ये चीज टंगी हुई है, बस आपको वेट करना होगा, इसका कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सोल्यूशन है और आप खोज रहे हो, तो कोई भी इसका सोल्यूशन ऐसा नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा। जैसे ही होगा, अगर अच्छा बैंक है तो जल्दी करेगा, कुछ ऐसी बैंक है ज्यादा जो बिजी रहते हैं, छुट्टी रहती है, तो उनमें ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज को ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम होती क्यों है, कब से, और क्यों इसको बीच में डाला गया था, जो पेंडिंग वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम है या पेंडिंग वेरिफिकेशन का जो सेक्शन है, ये क्यों डाला गया था ईपीएफओ की तरफ से, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा जानकारी से, जानकारी आपको अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा हो, आपको नॉलेज वैल्यूबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पीएफ के रिगार्डिंग नए अपडेट, नॉलेज, जानकारी आप सबको देता रहता हूं, आप सबको सिखाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, चलता हूं, मिलता हूं आप सब वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, बाय बाय, जय हिंद।